नमस्कार, जय जोहर। मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में बहुत ही जबरदस्त प्रतिभाशाली और छत्तीसगढ़ का नाम मुंबई इंडस्ट्री में रोशन करने वाले पूरण किरी जी हैं। पूरण किरी जी ने बहुत सारी फिल्में छत्तीसगढ़ी की भी की, उसके बाद में बहुत सारे सीरियल किए। पूरण भैया, आप ये बताइए कि अपड़ माया करथो के बाद में कौन कौन सी फिल्में आपने छत्तीसगढ़ी में की और क्या कैसा अनुभव रहा छत्तीसगढ़ी सिनेमा करने का आपका? छत्तीसगढ़ी सिनेमा की जब शुरुआत, छत्तीसगढ़ सिनेमा में जब मैंने शुरुआत की तो ये था कि उस समय मेरे सीखने का समय था, मतलब उस समय सीख रहा था मैं। लेकिन सही तरीके से अगर बोला जाए कि मैं कुछ सीख पाया तो वो था मुंबई। मुंबई में काम करने का अनुभव अलग है और यहाँ का काम करने का अनुभव अलग है। यहाँ पैटर्न ही अलग है, वहाँ का भी पैटर्न अलग है। उसका कारण ये, क्योंकि यहाँ जो कास्टिंग होती है वो बस दोस्ती यारी में लोग कास्ट कर देते हैं एक दूसरे को। अब वहाँ जो प्रोफेशनल तरीके से अगर आप में हुनर है तो ऑडिशन दीजिए और कैरेक्टर में अगर फिट बैठते हैं तो ही आपको कास्ट करते हैं। आपने पूरन भैया कितने सारे सीरियल कर दिए होंगे अभी? आपने बहुत सारे सावधान इंडिया का तो आप यहाँ पे एक ऑडिशन ले ही रहे हैं और भी बहुत सारे आपकी पहचान भी मुझे लगता है कि सावधान इंडिया और सीआईडी और इस सब में रोल करने से हुई आपकी। हाँ, शुरुआत में तो पहचान जो है मेरी सावधान इंडिया से ही हुई थी। कारण ये था कि मैं उसमें जब कॉप्स के मैं जो रोल करता था उसमें, उस दौरान ऐसा था कि कॉप्स के मेन कैरेक्टर्स होते थे तो मैं कॉप्स प्ले करता था। उसके बाद फिर मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है मिला, मैं 2 साल वो किया था, उससे एक अलग पहचान बनी मेरी। फिर मैं गंगा किया, फिर आपका सपने सुहाने लड़कपन के किया, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं, करीब 150 शोज़ में मैंने 20 से 22 शोज़ किए हैं जिसमें 6 से 7 शोज़ में मैं लीड रहा हूँ। क्या लगता है पूरन भैया कि यहाँ छत्तीसगढ़ में फिल्म विकास निगम की बातचीत चल रही थी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का निगम होना चाहिए ताकि यहाँ का छत्तीसगढ़ी सिनेमा विश्व में तो प्रसिद्ध है और कैसे बेहतर हो सकता है? अब मेरा मानना यही है कि देखो क्या है, निगम तो बन जाते हैं और लोगों को काम भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सही व्यक्ति को चुनना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या होता है कि सरकार का जो पैसा सही हाथों में जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पता चला कि कोई नौसिखिया बंदा आके उठ के आके खड़ा हो जाएगा जिसकी पहुँच वहाँ तक है और जो हुनरमंद आदमी है उसको काम ही नहीं मिल रहा है। आपने एक बड़ा डिफरेंस बताया कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का और बॉलीवुड का, कि वहाँ पर कास्टिंग इसके हिसाब से होती है, यहाँ दोस्ती यारी होती है, और बेहतर करने के लिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा को क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के कलाकारों का मौका दीजिए, लेकिन ये जो ये लाउड और सॉफ्ट और नेचुरल एक्टिंग का जो पैटर्न होता है, इन चीज़ों को समझना होगा यहाँ के डायरेक्टर्स को, जो कि यही समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो ऑडियंस है जो छत्तीसगढ़ की ऑडियंस है वो सिर्फ लाउड एक्टिंग को ही पसंद करती है, तो ये गलत सोच है। वो एक नाट्य मंच का है और फिल्मों का जो काम करने का तरीका होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा बॉम्बे में जाके काम करने के बाद बहुत ज़्यादा अनुभवीवान हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जमीन से जुड़े जो सीखने को मिला मेरे को वहाँ पे, मैं वही चीज़ यहाँ पे बयां कर रहा हूँ। क्या आप जो नए लड़कियाँ आ रहे हैं छालीवुड से भी, छत्तीसगढ़ से मुंबई जाना चाहते हैं, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ सुबह उठकर मिरर में अपना चेहरा देखकर, या किसी दोस्त ने ये कह दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, या फिर किसी ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छा गाती हो या गाते हो, या तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी, ये सुनकर अगर तुम जा रहे हो मुंबई तो मेरे लिए तो यही होगा कि आप ना जाएं। अगर आपको लगता है कि आप उस काबिल हैं और सच में कुछ अगर करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से जाइए और सीखिए। अगर आपको नहीं आता तो आप सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। आज भी अमिताभ बच्चन, जिन्हें पितामह कहा जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, आज भी वो सीखते हैं। वो मैंने उनके साथ भी काम किया तो मेरा एक सीन चल रहा था, उन्होंने बोला यार तुमसे कुछ सीखने को मिला, तो मेरे लिए मैं यही कहूँगा कि वो इसमें सीखने में कोई बुराई नहीं है और छोटा बड़ा कोई नहीं होता इंडस्ट्री में, कलाकार कलाकार होता है। अमिताभ आप भी हैं, अमिताभ मैं भी हूँ, अमिताभ सब कोई है, कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। छत्तीसगढ़ के दर्शकों से भी कोई अपील करना चाहेंगे क्या? छत्तीसगढ़ के दर्शकों से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्में बनती हैं। जी जी, मैं छत्तीसगढ़ के दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगी कि यहाँ जो फिल्में बनती हैं उस फिल्मों को देखें, यहाँ के लोगों को, अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सहयोग करें, और सरकार भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि वो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए, जैसे कि साउथ की इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री है, या आप पंजाब की इंडस्ट्री देखो या भोजपुरी इंडस्ट्री देखो, वहाँ के दर्शक जो है वो फिल्म देखने आते हैं टॉकीज तक, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोग भी आएँ वो फिल्म देखें, और साथ ही साथ यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स हैं या मेकर्स हैं, मैं उनसे भी यही आग्रह करूँगा कि वो भी अच्छी फिल्में बनाएं और कलाकारों को ना भटकाएं, वो सही राह दिखाएं उनको ताकि वो सही परफॉर्म कर पाएं, ताकि उनको ये लगे कि यार मैंने गलत किया तो गलत किया, अगर सही किया तो सही किया है।
यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरन भैया आपका, आप यहाँ पे आए, अभी बहुत व्यस्त रहते हैं मुंबई में, इसके बाद में भी सावधान इंडिया के लिए आप यहाँ ऑडिशन लेने आए हैं, क्या सावधान इंडिया का यहाँ पर भी शूट होगा? सावधान इंडिया की शूटिंग अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अभी लगभग एक स्टोरी कम्प्लीट है, यहाँ 12 स्टोरी शूट होने हैं। 12 स्टोरी शूट होने हैं, जिसमें से अभी एक स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और लगभग 11 स्टोरी अभी शूट होने को बाकी है। यहाँ के लगभग 25 से 30 कलाकारों को मौका मिला है, इवन जो गांव के लोग हैं, गांव में हम शूट कर रहे थे, गांव के जो लोग, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों ने भी परफॉर्म किया, उनका वो भी बहुत खुश थे इस बात के लिए कि जिन्हें हम टीवी पर देखते थे आज उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो आज उनको भी एक इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को भी मुंबई में अवसर दे रहे हैं, इसके लिए भी आपका साधुवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।